यहाँ से ये देखो पेंट भी निकलना शुरू हो गया है, थोड़ा केयर के साथ निकालना पड़ेगा यार। गुड मॉर्निंग तो नहीं है, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फिलहाल आज के अगर हम प्लान्स की बात करें तो शायद ये लास्ट टाइम होने वाला है जब आप अपनी गोब्लिन को और मेरी इस टी शर्ट को जो है, मतलब ये बड़े सारे ना मुझे लोग कहते हैं कि मैंने गाड़ी के मैचिंग के साथ टी शर्ट पहन रखी है, तो शायद ये लास्ट टाइम है बिकॉज आज हम गोब्लिन के साथ करने वाले हैं कुछ। क्यों करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं वो तो चलो आपको बताते हैं। तो फिलहाल फटाफट से निकलते हैं यहाँ से, पहले तो मोहित को पिक करेंगे, खाना भी खाना है, रास्ते से राजमा चावल ले लेंगे और फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। यार वैसे प्यारी तो लगती थी वैसे ना इस रैप में, बड़ी सही सी लगती थी। तो सब लोग कहते थे कि ये जो वाइट स्ट्रिप है ना इसको मुझे इसके साथ मैच कर देना चाहिए, ये स्ट्रिप ना बहुत ही ऑड लगती है, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि इस स्ट्रिप के साथ ही पूरी गाड़ी के कलर को मैच कर दिया जाए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा, और ये जो फुटस्टेप टेढ़ा हुआ था ना इसको भी सीधा करना है, ठीक है। ये तो लूज भी हो रखा है थोड़ा सा, कोई चक्कर नहीं है, फिलहाल तो निकलते हैं, लेट्स गो। और दिल्ली भी जाना है यार, अब बहुत दिन हो गए इधर भी। और भाई साहब कल तो इतनी बारिश हुई ना जम्मू में, इतनी बारिश हुई शाम के टाइम पे, तो आज मौसम अभी धूप तो बहुत खतरनाक निकली हुई है बट फिर भी मौसम ना ठंडा ठंडा सा लग रहा है क्योंकि वो जो बारिश हुई हुई थी ना उसका इफेक्ट ही इतना ज्यादा है। आज क्या है, गाड़ी में वैसे तो एसी जो है वो मैंने नहीं लगाया हुआ है क्योंकि मौसम भी अच्छा है, बट कल एसी लगने से हो गई थोड़ी सी गड़बड़। तो क्या होता है जैसे अब एसी की वैसी आदत नहीं है ना, तो बाहर के क्लाइमेट की उससे ना एक्सपोजर हो गया मेरे को, तो कल तो मेरे को क्या है गले में खराश वगैरह फिर जुकाम वगैरह हो रहा था, जैसे आज मुझे क्या है बॉडी पेन हो रही है। तो सुबह से मैं एसी में ही था, क्या करूं थोड़ा सा मतलब शरीर ठीक ना हो तो काम करने का मन भी नहीं करता। बट मैं ना एक चीज मानता हूं, जैसे शरीर में ना ये पेन वेन दर्दे वर्दे ना होती रहनी चाहिए बिकॉज ये ना सफरिंग है, ठीक है। तो जितना आप सफर करोगे उतना आप स्ट्रांग बनोगे। बेसिकली मैं तो ऐसा सोचता हूं कि भाई साहब शरीर में पेन होना सफरिंग होना इससे आपके ना पाप कटते हैं, जो जो आपकी गलतियां होती है ना उनकी सजा भी आपको साथ साथ में मिलती रहती है क्योंकि आपके शरीर में तकलीफ चल रही है। जैसे मुझे कोई भी प्रॉब्लम शुरू होती है तो मैं इंस्टेंटली उसकी मेडिसिन नहीं लेता, पहले 4-5 दिन तो मतलब क्या है कि वो थोड़ा सा इम्यून सिस्टम को भी अपना काम करने देना चाहिए, और फिर जैसे 4-5 दिन हो जाए लंबा खिंच जाए तो लगे कि अब नहीं ठीक हो रहा तो फिर आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी ऐसा ही किया करें, थोड़ा सा अपने इम्यून सिस्टम को काम करने दिया करें, नहीं तो बिल्कुल ही बॉडी ना फ्लूसी पे ही हो जाती है कि भाई मेडिसिन पे ही मेडिसिन पे ही। तो ये भी कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें होती हैं। हैरियर को टायर कितने बड़े हैं, मतलब कितने बाहर आ रहे हैं, मतलब हैरियर के हिसाब से तो इतने ही बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है ना। इसकी टेल लाइटें ऐसी होती हैं क्या? हाँ पहले अलग आती थी, अभी तो पूरी है, तो शायद लेटेस्ट वाली लग रही है मेरे को। हाँ, हाँ। लेटेस्ट वाली है, इसके आगे से लाइटें भी अलग होगी। रोन भाई फिर तैयार हो गए, कहाँ जा रहे हो? यार ये काम पे आया हूँ, काम कर रहा हूँ। मोहित बता दो जा रहे हैं ना कहीं? लग तो ऐसा ही रहा है, बी में जा रहा हूँ मोहित के साथ। मुझे भी ले चलो भाई, मुझे भी जाना है। आपके काम में चीज लेना, वो चक्कर नहीं है। कौन से काम कर रहा है वो बता नहीं सकता, ये हमारे पर्सनल काम है। तो चलिए गाइस फिलहाल पहुंच चुके हैं रोहन भाई के पास। रोहन भाई फिर क्या सोचा आज? चीर फाड़ करनी है। चीर फाड़ करनी है, तो गाइस मैंने रोहन भाई से ना बड़ा कैजुअली ऐसे बात की, मैंने कहा रोहन भाई मेरे दिमाग में एक चीज आई है, क्या वो करनी चाहिए? रोहन भाई कह रहे इसमें तो सोचने वाली बात ही कोई नहीं है, चीर पड़ी है हमारे पास, बंदे हैं मुझे लगाना फाड़ने के लिए। चलो जी कोई नहीं, तो आज करते हैं जो भी अभी तामझाम होगा। अभी इसमें ये है कि बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, तो बेसिकली आज इसका रैप हम खोलेंगे। अब पहली चीज रोहन भाई हमने बचानी है, जो ये स्टिकर बच सकता है क्या? तो अगर स्टिकर ऊपर चिपके रह जाए तो भी बहुत बढ़िया है, प्लस कहीं से पेंट वेंट नहीं उतरना चाहिए। और आप लोगों के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है कि जब गाड़ी का रैप उतारा जाता है, क्योंकि फॉर्च्यूनर का जब हमने उतारा था उसमें तो बहुत सारा जो पेंट है वो साथ साथ में निकल गया था क्योंकि वो गाड़ी रीपेंट हो सकती थी, लेकिन क्योंकि ये तो ओरिजिनल पेंट गाड़ी है ना, और ये जो हमारा रैप है ये वाइनल है, मतलब ये अपनी ग्लू नहीं छोड़ेगा। देखो कुछ भी डैमेज नहीं है। चलिए जी बताता हूं। तो चलो कोई नहीं, करते हैं सारे काम को शुरू। पहले मेरे को भूख लगा, मैं खाना खा लूंगा, खा लूं इतनी देर में, आप उतारना नहीं ना? नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा हूं, चलो उतर जाएगा। इसको धूप में लगा देते हैं। हां इसको धूप में लगा देते हैं। यहां से काटा हुआ है, क्लैडिंग के नीचे भी है। नहीं नहीं क्लैडिंग उतार के बाद में चिपकाई हुई है, वही कर देंगे ना, इतना तरह काट देंगे। चलो जैसे फिटिंग उतारेंगे ना। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसको धूप में लगा लो, इतनी देर में वो थोड़ा उतर जाएगी। गाइस रोहन भाई के ऑफिस में, रोहन भाई से पूछना पड़ेगा थोड़ा सा। आज अपनी गाड़ी जाएगी अंदर सेटअप के बीच, लाइटों के बीच सब कुछ, एक तो क्या है यहाँ शांति भी रहेगी और बढ़िया भी दिखेगी गाड़ी। तो चलिए जी अभी बलेरो निकालेंगे बाहर, देखते हैं अपनी बलेरो और इसमें कितना फर्क है। सबसे बड़ा पावर विंडो है ना इसमें, डुअल टोन डैशबोर्ड। एक
रोन भाई क्या क्या देख रहे हो आप? रोन भाई इसमें आवाज आएगा, ये आपको भी लगाना ना? आ रही होगी। तो चलिए जी, आप लगाओगे नहीं लगाओगे? मेरी ऐसी बड़ी है। लगा रोन भाई को भी लगा। इंटरव्यू चलेगा अभी रोन भाई और मेरा, बिकॉज यहाँ रोन भाई लुकिंग डिसेंट। बस ये जो 50 तोला है ना आपका, इससे थोड़ी आपकी डिसेंसी खत्म होती है। तो बेसिकली आप क्या है कि गाड़ी तो हम अंदर ले आए हैं, तो अब हमने सबसे पहले तो देखो यहाँ से उतारेंगे ताकि हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो स्टिकर है वो साथ में उतरेगा कि नहीं उतरेगा। ठीक है, तो फटाफट से इसे शुरू करते हैं। रोहन भाई हीट गंदी चाहिए? चलो एक बार पूरी उतार के देखते हैं। जैसे ये देखो है ना, पूरा ही लगा हुआ है। तो अगर स्टिकर लगा रह जाएगा तो चलो 4000 रुपया हमारा बच जाएगा, और क्योंकि 4000 की ये ग्राफिक किट थी। फर्म घाटे में है, सही बात है, पर उतर बड़ा इजली रहा है। गाड़ी ऑलरेडी हीट है, हमें हीट गन की जरूरत भी नहीं है। तो ये होता है जैसे आप बढ़िया क्वालिटी का अगर रैप यूज करते हो, देख रहे हो आप, क्योंकि मैंने ना बहुत सी वीडियोस भी देखी, रैप उतारने लोगों को तो गाड़ी का वो हो जाता है, ग्रूव भी ज़्यादा छोड़ता है। तो हम पूरी गाड़ी अपनी जो है फिर से वो करेंगे, आपको जो भी डाउट शॉट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लगभग मेरे को लग रहा है 8 महीने हो गए हमें ये रैप हमने किया था, सितंबर में किया था शायद। क्या बात है, मज़ा आएगा, लुक्स बच जाएगी क्योंकि बिल्कुल वाइट में उतना मज़ा नहीं आता। और ये देखो अगर वो भाई वीडियो कमेंट देख रहे हैं तो थैंक्स, आपने वो बताया, हमें भी पता चला, नहीं तो आप कमेंट भी करते तो हमें भी पता चलता। हाँ, रोन भाई को आप कहीं भी देखो ना मिल लेना। तो चलो गर्मी का ये फायदा भी है, कितना एसी ऊपर है ना, एक ही बार में उतरेगा पूरा, मेरे को ऐसा लगता है पूरी शीट चेंज भी एक ही बार में। छोटी छोटी कर्व्स तो यही है, बिकॉज उसको पूरे अच्छे से बिठाया था हमारे तरुण भाई और धीरज भाई है। अब यहाँ से पूरी कर्व जो है वो खुल गई है, अब इसको एक एक बार में खींचेंगे। बोनट बंद करके करें या? हाँ, तो बंद कर लेते हैं। पर स्टिकर थोड़े थोड़े ना पीले पड़े हैं जैसा लग रहा है, पर ये देखो आप कहीं से भी कोई भी ग्रू नहीं छोड़ रहा है, और हमारे पसीने छूट रहे हैं। मेहनत का पसीना रन भाई, बस थोड़ा सा ही मेहनत करेंगे, उसके बाद एक बार टाइम लैप्स लगाएंगे। मेजर रीजन ये है कि बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है, माना हमारी गाड़ी ब्लीडिंग ग्रीन थी, और हम गर्व से कह सकते हैं कि इतने दिन हमने ये गाड़ी चलाई बट हमें चलान नहीं हुआ, इस चीज़ का हमें बहुत ही फक्र है। लेकिन अब हम और रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि अब चलान नहीं होगा, अब गाड़ी सीधी अंदर जाएगी। बेसिकली क्या है कि जो चेंज है, बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है, तो जिस वजह से हम इसको चेंज कर रहे हैं, बहुत देर हो गई हमने एक ही घंटे का रैप रखा हुआ है, तो अब रैप चेंज करने का टाइम जो है वो आ चुका है। तो एक चीज़ यहाँ पे और है, जैसे हमें जब रैप बिठाना है ना तो हमें हर एक पार्ट को खोलना पड़ता है, लेकिन रैप उतारने में हमें हर एक पार्ट को खोलने की जरूरत नहीं है। जैसे ये देखो, जो जो हिस्सा भी टकिन हुआ हुआ है ना वो तो अपने आप ही बाहर आ जाता है वहाँ से, जैसे हमें ये बिडिंग खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये रैप किया होगा तब ये ऑब्वियसली, जैसे ये वाला हमने जो है कब खोले थे देखना, सीधा ही बाहर आ जाएगा ये देखो, सीधा आ रहा ना बाहर, मतलब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कैसे उतरेगा? हमने माइक को जो है क्यों मैग्नेट से कर दिया। चलो जी, उधर जाते अभी जो है हमने
अच्छा रोहन भाई, इधर थोड़ा सा पैच मारना पड़ेगा, ये कर लेंगे जी। तो चलो जी, अभी ये जो है, ये हमारा पार्ट जो है ये पेंटेड है, इस पे उतार के देखते हैं कि पेंट उतरता है या रैप ही जाएगा। पर मुझे लग रहा है शायद पेंट जाएगा। क्या लग रहा है मुझे, यहाँ पे पेंट किया हुआ है? हाँ, ये और ये वाला फेंडर पेंट है ना? नहीं, हाँ जाएगा जाएगा। ये देखो कंपनी का पेंट है ना, जो उस पर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो बाहर वाला पेंट है वो उतरेगा। चलो कोई, इतना तो सहना ही पड़ेगा। यहाँ से ये देखो पेंट भी निकलना शुरू हो गया है, ये यहाँ से निकल गया ना, और वहाँ से पीछे से भी निकला ना। हाँ ये देखो, वो कोने से यहाँ से कोने कोने से पेंट निकल रहा है। थोड़ा केयर के साथ निकालना पड़ेगा यार। तो जी ये मेहनत आपको ऐसे लग रही है ना बंदों की हो गई है, बस मेरी बस हो गई है, मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करने लगा हूँ। तो जी बहुत ही टफ सा काम था ये, उतना इजी नहीं था जितना हमने सोच लिया। बेसिकली ना सीधी सीधी जगह पे तो उतर जाता है, मेन जो जैसे कर्व के अंदर आ गया उसमें बड़ी दिक्कत आई, जैसे यहाँ ये बीच बीच में फंसा रह गया है। अब जा तो हम ये हिस्से खोल के करें, ठीक है वो खोलेंगे, उसमें भी काम लंबा। अच्छा छोटू आ गया, कौन है छोटू? ऋषभ भाई को छोटू बोल रहे हो? तो चलिए अभी ये देखो, जैसे यहाँ से सारा खोलना पड़ेगा। आवाज तो इतनी आ रही है सिस्टम की, क्या बोल रहे हो? कहता हूँ ये काम भी होता थी, डरने का नहीं है। क्या छुट्टी आज? छुट्टी छुट्टी भी है। अच्छा और ठीक लग रही है गाड़ी? क्यों किया वैसे? करना पड़ता है, कुछ नया ला रहे हैं मेरे को लग रहा है। नहीं नया आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बट रोने क्या आपको काम बनाने के लिए दिया बिगाड़ने के लिए? एक ही जगह पे तीन लोग लगे हुए हैं क्या? वर्क फोर्स बढ़ गई है। ऋषभ भाई इसमें एक टेक्निक है, अच्छा ये पूरा खुलेगा, इधर देखो। हाँ ये पूरा अंदर से बाहर निकल जाता है। रुक जा रुक जा रुक जा। फिर फाइनली जितना काम था वो कर दिया है, अब बस छत रह गया। अब छत का चक्कर ये है कि इसको पहले ना रूफ रैक को खोलना पड़ेगा, तो ये मैं सोच रहा हूँ अक्षय भैया के पास ही खुलवाऊंगा। और फिर जैसे यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे जो रह गए ना पैच, क्योंकि मेन काम हमने कर दिया है, अब ये जो छोटे छोटे हैं ये पूरा खुल के फिर क्लियर होगा। और यहाँ से देखो ये उतर गया पेंट ना, तो ये भी जाना पड़ेगा इंडिया के पास, उनके पास जाके वापस पेंट करवाना पड़ेगा। यही वाले फेंडर से उतरा जिसमें बाद में पेंट हुआ था, बाकी कहीं से कोई नहीं उतरा। और अपनी जिमनी की जो एक नई लुक है वो आ चुकी है, कैसी लग रही है? वैसे मुझे पता है सब लोग बोलेंगे कि मजा नहीं आ रहा, बट चेंज इज नेसेसरी, तो वही चेंज हमने किया, बट मुझे अच्छा लग रहा है। स्टिकर नहीं ना उतरे इसलिए ज्यादा अच्छी लग रही है, अगर स्टिकर उतर जाते फिर उतना मजा नहीं आता, बट स्टिकर नहीं उतरे तो देखो लग तो प्यारी रही है, मतलब सही है। तो गाइस मतलब मुझे तो गाड़ी ना अच्छी लग रही है, मतलब चेंज है ना अच्छा लग रहा है, बट आप लोगों को पता नहीं कैसी लग रही है। छत वाला भी उतर जाएगा तो फिर और बढ़िया लगेगी। गाइस इधर किसी की गाड़ी से गिरी होगी, ऐसे ही पड़ी थी। ठीक है ओके गाइस बाय बाय। फिलहाल आ गया हूँ यूनिवर्सिटी, एक्चुअली दीपम को पिक करना है और उसका ना रिएक्शन भी देखेंगे कि भाई गाड़ी देख के उसको कैसा लगता है। मार खाएगा क्या? गलती होगी। खाने के लिए कुछ मंगाया था, ये क्या है भाई? क्या मंगाया ये चीज है? कॉर्न मैगी? तो हमें मिक्स करके देते, मिक्स हमने खुद ही कर दी है क्या? कल रात को वीडियो जो है वो मैं एंड नहीं कर पाया था, तो अभी वीडियो एडिट कर रहा था, तो जिमनी का रैप हमने रिमूव कर दिया है। क्या कुछ प्लान्स हैं इसके साथ, आप चैनल पे बने रहोगे तो आपको पता चलता जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे कल फिर किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सपोर्ट।